नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की, सीधे संसद भवन के बाहर विजय चौक से लाइव। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। और आज बहुत सारी खबरें हैं जिनकी हम लोग कहानी कुर्सी की में बात करेंगे। महाराष्ट्र की कहानी तो खबर खत्म ही नहीं हो रही है, यानी अपने अंजाम तक पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चलिए, इतना इंतजार हुआ 9-10 दिन का, तो शायद एक दिन के अंदर अब आपको कोई खबर वहां से पुख्ता खबर मिल जाएगी, कल जब वहां पर विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन दो तीन बातें इसमें बड़ी अटपटी सी हैं। एक तो शिंदे साहब का कभी नरम कभी गर्म होना, अचानक तबीयत खराब हो जाना, हो भी सकती है, फिर ठीक हो जाना, लेकिन उसके बाद भी अपनी मीटिंग्स को कैंसिल करते रहना, किसी से मुलाकात ना करना, और कल रात अचानक बीजेपी के एक सीनियर लीडर के वहां जाकर उनसे मुलाकात करना। और देवेंद्र फडणवीस ने भी फोन किया उनको, ये भी हमने सुना है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस का खुद का नाम अभी तक आधिकारिक स्तर पर या किसी भी सीनियर लीडर की तरफ से लिया ना जाना, इस पूरी चर्चा के अंदर वो भी कहानी में एक पेच या एक सस्पेंस पैदा कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश वाली कहानी दोहराने की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही हो। इस सब की हम लोग बात करेंगे। खबरें और भी हैं। आज संसद में ऐसा लग रहा था कि गतिरोध थम गया है और इंडिया गठबंधन के अंदर शायद फूट पड़ गई है। अडानी के नाम पर कांग्रेस अड़ी हुई है, तो बाकी दलों ने कह दिया कि तुम अडानी करते रहो, हमको अब बाकी मुद्दों पर बात करनी है, आपका एजेंडा चुनावों में चलता नहीं, अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज हमने दिन में देखा, जब लोकसभा राज्यसभा बैठी तो हंगामा एक बार फिर हुआ। तो क्या संसद का गतिरोध टूटेगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। पंजाब से बड़ी डेवलपिंग और इंटरेस्टिंग खबर है। सुखबीर बादल और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को, खासकर जो उनकी सरकार में शामिल थे 2007 से 2017 तक, उनको अकाल तख्त ने तनखैया घोषित कर दिया। अब ये तनखैया क्या होता है, क्या सजा दी गई सुखबीर बादल को, गले में तख्ती लटकाकर वो गोल्डन टेम्पल में क्यों बर्तन साफ कर रहे हैं, जूते पोंछ रहे हैं, ऐसी क्या गलती उन्होंने कर दी, ये हम आपको बताएंगे। और अपने आप में एक बड़ा, शायद भारत की राजनीति का एकमात्र ऐसा उदाहरण होगा जब अकाल तख्त जैसी एक बॉडी, जो पूरी तरीके से धार्मिक बॉडी है, वो किसी राजनीतिक दल में पूरी तरीके से ऐसा लगता है परिवर्तन कर रही है। कैसे, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। बांग्लादेश से जुड़ी कुछ खबरें हमारे पास हैं। अब कांग्रेस पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, हर किसी को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है। और अब तो बात यहां तक पहुंच गई कि मांग की जा रही है भारत सरकार से कि आप यूएन में अर्जी लगाइए और वहां से एक पीस कीपिंग फोर्स बांग्लादेश की हिंदुओं की रक्षा के लिए भिजवाइए, और अगर इससे भी कुछ नहीं बन पड़ता है तो बॉर्डर खोलिए, सारे हिंदुओं को यहां जाने दीजिए, पश्चिम बंगाल सबको रोटी खिला सकता है। सारी खबरों की बात करेंगे, मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका भी। और समीर चौगांवकर साहब महाराष्ट्र से आपके लिए एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर के आए, समीर साहब आपका बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में दो तीन बयान है, वो आपको पहले सुना देता हूं। एक तो गिरीश महाजन जी, जो कल रात में मुलाकात करने के लिए एकनाथ शिंदे से उनके थाने के घर पर गए थे, वहां से अब तक वो मुंबई नहीं आ पाए, गांव से गए थे, गांव से थाने आ गए, थाने से मुंबई नहीं आए, वहां जाकर मुलाकात हुई, शिंदे जी बाहर भी नहीं आए, गिरीश महाजन ने लेकिन मीडिया से बात की। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प होता है, नेता लोग कब डिसाइड करते हैं कि हम किसी मुलाकात के बाद मीडिया को बताएंगे या नहीं बताएंगे, क्या बात करेंगे, कितनी बात करेंगे। गिरीश महाजन ने सारी बातें की कि मैं तो हालचाल लेने के लिए आया था, उनकी तबीयत खराब थी, कोई नाराज वराज नहीं है। नाराज किसी ने तो कहा नहीं, उन्होंने अपने आप ही कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, इसका मतलब पक्का नाराजगी है, ये तो तय हो गया। अब उसमें बात कहां तक आगे बढ़ी, संजय राउत जी कह रहे हैं कि दिल्ली से मरघट लीला चलाई जा रही है महाराष्ट्र के अंदर, रोज नए नए नाम दे देते हैं, वो मरघट लीला हो रही है महाराष्ट्र के अंदर। सुनील तटकरे जो अजीत पवार की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अमित शाह से मीटिंग जब हुई थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, शिंदे साहब तीनों लोग थे, उसमें सब कुछ तय हो गया था, उसी दिन तय हो गया था। अब अगर उनकी बात सही है और हमारी जानकारी भी यही है, तो फिर ये देरी किस बात की, जब सब कुछ उस दिन डिसाइड ही हो गया था, तो इसका मतलब शिंदे साहब वाकई जो हैं वो कहीं ना कहीं इस जीत की साइकिल में कहीं कोई डंडी अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप गिरीश महाजन, संजय राउत, सुनील तटकरे को सुनिए, इनकी बातों से आपको महाराष्ट्र की इस डेवलपिंग स्टोरी की बहुत सी खबरें पता चलेंगी। कोई नाराजी नहीं है, माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब चार पांच दिन से बीमार थे, इसलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। मेरे पे एक घंटा सवा घंटा हम लोग साथ में बैठे, बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा होगा तरह, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम में होगा। देश भर से सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, नड्डा जी है, सभी नेता यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के केयरटेकर मुख्यमंत्री है, अगर मुख्यमंत्री कैसा डिसअपीयर या गायब हो सकता है, और दिल्ली में इतनी बड़ी यंत्रणा है, सीबीआई, पुलिस, रॉ,
हाँ इंटेलिजेंस, देखिए सब एक खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। 10 दिन हो चुके हैं, बहुमत है उनके पास पूरा, भारी बहुमत है, फिर भी ये लोग मुख्यमंत्री का नाम, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री नेता का नाम अब तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास इतना बहुमत है, उसके बावजूद अब तक राजभवन में जाकर सरकार स्थापने का, सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते ये लोग अब तक, और राजभवन से अब तक सरकार बनाने का न्योता भी नहीं मिला है। उसके बावजूद ये लोगों ने हमारे आजाद मैदान में बहुत बड़ा पंडाल डाला है। किसके आदेश से डाला है? राजभवन ने अब तक आपको बुलाया नहीं है सरकार बनाने के लिए, अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है। तो ये कौन कर रहा है, ये कौन सा खेल चल रहा है आप बताइए। और एकनाथ शिंदे जो है वो जो आंख उठाकर देख रहे हैं ना आप, ये सब दिल्ली का खेल है। अजीत पवार भी दिल्ली में मौजूद है। अरे ये सब दिल्ली, महाराष्ट्र में जो एक चल रही है मरकट लीला, मरकट लीला वो सब दिल्ली चला रही है, डमरू बजा रहे हैं दिल्ली से, लोग नाच रहे हैं। गुजरात के माजी मुख्यमंत्री रूपानी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को अपॉइंट वहां पे किया है, और 5 तारीख को शाम को शायद आजाद मैदान पर स्वेरिन हो जाएगा। नहीं, कंक्लूजन तो हो ही गए ना, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी तब सारा तय हो गया है। सुनील गडकरी ने तो बड़ा साफ साफ बता दिया कि सब कुछ उसी दिन तय हो गया था, फिर क्या हो रहा है? इसका मतलब ये साफ है ना समीर जी कि एकनाथ शिंदे कोप भवन में है, लेकिन कोप भवन में भी रहने की एक लिमिट होती है। अब तो कल बीजेपी की विधायक दल की बैठक होनी है, परसों शपथ ग्रहण होना, अभी तक साहब वो जो है नाराजी चल रहे हैं, क्या खबर है? देखिए एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि शपथ ग्रहण के पहले जो मेरी जो भी मेरी मांगे थी या जो भी मेरी सलाह थी या जो भी मैं चाह रहा था कि सरकार बनाने का फॉर्मूला कैसा हो, उस सरकार में शिवसेना के कितने मंत्री बनेंगे, उस सरकार में एकनाथ शिंदे की क्या भूमिका होगी, और केंद्र में क्या एकनाथ शिंदे कोई और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं कि अगर मैं उपमुख्यमंत्री बनता हूं तो मेरे 7 सांसद हैं तो केंद्र में भी मेरा दखलंदाजी बढ़ाया जाए। तो जो उन्होंने डिमांड की थी, मुझे लग रहा है उसमें से बहुत सी बातें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट एकनाथ शिंदे को मैसेज कर दिया है कि ये मांगे आपकी पूरी नहीं हो जा सकती, फिलहाल जिन मांगों पर आपको कहा गया है उस आधार पर आप सरकार में शामिल होइए, बाकी कुछ अगर होगा तो आगे भविष्य में देखा जा सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि सरकार के गठन के पहले उन्हें व्यक्तिगत रूप से अमित शाह इस बात का कन्फर्म करे कि उनकी मांगी माने जाएगी, वो प्रदेश के नेताओं के कमिटमेंट में भरोसा नहीं करना चाहते। मुझे लग रहा है वो अंतिम समय इस बात की कोशिश करेंगे कि मेरी मांगे मांग ली जाए और उनकी कोशिश होगी कि शपथ ग्रहण पहले दबाव बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से गिरीश महाजन मिलने गए थे, गिरीश महाजन को भेजा गया था मिलने के लिए, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने फोन किया था, गिरीश महाजन देवेंद्र फडणवीस के बहुत भरोसेमंद नेताओं में शामिल होते, कैबिनेट मंत्री रहे, वो वहां एकनाथ शिंदे से मिलने गए थे, हालांकि एकनाथ शिंदे ने उनसे बहुत बात नहीं की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्होंने हालचाल पूछा, उन्होंने कहा ठीक है बाकी मेरी बात हो रही है। तो गिरीश महाजन को बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया एकनाथ शिंदे ने, तो ये बता रहा है कि एकनाथ शिंदे फिलहाल दिल्ली की तरफ रुक करके अभी देख रहे हैं कि अमित शाह का अच्छा, क्या संदेश है। दिल्ली से आश्वासन चाहते, बिल्कुल वो दिल्ली से आश्वासन चाहते। फोन भी किया उनको देवेंद्र फडणवीस ने, उनको स्वास्थ्य जानकारी के लिए फोन किया था कि बैठक कब करना और आपका स्वास्थ्य कैसा है। सर एक बार मुंबई से अब एक अपडेट ले लेता हूं, सचिन जुड़ गए हमारे साथ, सचिन चौधरी हमारे साथ ही। सचिन क्या बातचीत का रहा लब्बो लोबाब बाहर निकलकर? गिरीश महाजन कह रहे थे कोई नाराजगी नहीं, भाई नाराजगी नहीं है तो आपको 10 दिन क्यों लग रहे हैं सरकार बनाने में? सचिन मेरी आवाज मिली आपको? क्या अपडेट है कल की इस मुलाकात का? जी सौरभ, आप जी देखिए जो डेडलॉक बना हुआ था एकनाथ शिंदे शिवसेना और बीजेपी के बीच में, उसको तोड़ने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का संदेश लेकर गिरीश महाजन उनके थाने के निवास स्थान पर पहुंचे थे। करीबन 1.25 घंटे ये बैठक हुई, दोनों में मुलाकात हुई है और एकनाथ शिंदे की जो नाराजगी थी उन्हें समझाया गया है और एक तरह से उन्हें मना भी लिया गया है। जो हमारे सूत्र हमें कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को इस बात के लिए मना लिया गया है बीजेपी की तरफ से कि वो इस सरकार में शामिल होंगे, बतौर डिप्टी सीएम वो शामिल होंगे और यूडी जैसा बड़ा मंत्रालय उन्हें जो है दिया जा सकता है। बाकी विषयों पर चर्चा जो है बाद में की जाएगी या हो सकता है कि आज भी चर्चा उसकी की जाएगी।
जिस तरह से एकनाथ शिंदे नाराज थे, उनकी तरफ से प्रपोजल था कि मुझे डिप्टी सीएम के साथ होम मिनिस्टर और कुछ विभाग उन्होंने बताए थे वो चाहिए थे, लेकिन उस पर ना बीजेपी की तरफ से जवाब आ रहा था ना एकनाथ शिंदे को बीजेपी की तरफ से जवाब मिल रहा था, तो ये डेडलॉक बना हुआ था। उसमें से बीच में दो दिन एकनाथ शिंदे जो है अपने गाँव चले गए, इससे ये सस्पेंस और बढ़ गया था। लेकिन आखिरकार कल शाम को जो है देवेंद्र फडणवीस में उनके जो विश्वासु है गिरीश महाजन उन्हें थाने भेजा और वहाँ पर एक घंटे मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो डेडलॉक था वो खत्म हो गया। आज आपने देखा कि आज़ाद मैदान में तीनों नेता जो एक साथ नजर आए, कल सिर्फ चंद्रशेखर बावनकुले और बीजेपी के नेता गए थे, जिससे शिवसेना शिंदे और एनसीपी के नेता जो नाराज थे कि ये बीजेपी का कहीं इवेंट ना बन जाए, लेकिन आज बीजेपी ने वो गलती सुधार दी। कल ही तय हो गया था कि अब एनसीपी बीजेपी और शिंदे शिवसेना के तीनों नेता साथ दिखेंगे, साथ में कोऑर्डिनेशन करेंगे, साथ में तैयारियों का जायजा लेंगे और आज उन्होंने भी तैयारियों का जायजा भी लिया, समीक्षा बैठक भी की, तो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल पिक्चर साफ होती नजर आ रही है। सिर्फ पोर्टफोलियो को लेकर कुछ बातचीत थोड़ी जो है वो फंसी हुई है, वो बातचीत चलती रहेगी, लेकिन इतना जो तय है जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे इस सरकार में शामिल होंगे, बतौर डिप्टी सीएम वो शामिल होंगे, अजित पवार दूसरे डिप्टी सीएम रहेंगे और देवेंद्र फडणवीस जो है सीएम रहेंगे और 5 तारीख को एक बड़ा एक विशाल जो है शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। जी सौरभ, जी देवेंद्र पाराशर हमारे राजनीतिक संपादक वो भी अब जुड़ गए हमारे साथ। देवेंद्र, अब कुछ क्लैरिटी है महाराष्ट्र की बनने वाली सरकार को लेकर? जितना हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं सौरभ, वही क्लैरिटी है, इसमें कुछ नया अपडेट नहीं है। और अजीत पवार का दिल्ली आना ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पे दिखा था और उसके बाद जब हमने खंगाला पॉलिटिकल कॉरिडोर को कि आखिर वजह क्या है कि अजीत पवार आनंद फानंद में दिल्ली आए, तो हमें ये बताया गया कि अजीत पवार ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का जो मंत्रिमंडल का गठन हो उसमें एनसीपी कोटे में जो मंत्रियों की संख्या हो वो लगभग शिवसेना शिंदे के लगभग बराबर हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़र्क हो वो सिर्फ एक मंत्री पद का फ़र्क न हो, ऐसा ना हो कि 3-4 मंत्री पद शिवसेना को ज़्यादा दे दिए जाएं, एनसीपी के हिस्से में कम आए। तो इस बात को कहने के लिए दिल्ली आए थे। हालांकि कल गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं हुई, सोशल द्वारा में जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से उनको ये भी कहा गया था कि इसके लिए दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, बावजूद इसके वो दिल्ली आए और आज भी वेट कर रहे हैं वो, अब क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में है कार्यक्रम के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो उस सिलसिले में अब देखना होगा कि क्या अजीत पवार इतना वेट करते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह वापस दिल्ली आए फिर उनसे मुलाकात हो, या फिर अपनी बात प्रफुल्ल पटेल को कम्युनिकेट करके वो चले जाएंगे और पटेल गृहमंत्री अमित शाह को बता देंगे। तो कुल मिलाकर अजीत पवार का ये मूव बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने वाला नहीं है, बल्कि ये शिवसेना शिंदे के ऊपर दबाव बनाने वाला है, क्योंकि शिंदे की जो कोशिश थी कि अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता है तो दो चीज़ उनके पास आए, पहला गृह मंत्रालय और दूसरा मंत्री पद की जो संख्या वो 3-4 ज़्यादा हो, तो वो होता नजर नहीं आ रहा है और गृह मंत्रालय तो देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा। और दूसरी चीज़ कि जो मंत्रियों की संख्या रहेगी उसमें एनसीपी और शिवसेना के बीच बहुत ज़्यादा फासला हो इसके संकेत नहीं नज़र आ रहे, और अजीत पवार के इस मूव के बाद तो बिल्कुल नहीं। सौरभ, और देवेंद्र फडणवीस के अपने नाम में कोई संशय नहीं है अब कि कल उन्हीं का नाम अनाउंस होगा? हाँ बिल्कुल सौरभ, उसमें बीजेपी के किसी भी लेवल पे, चाहे महाराष्ट्र की आप बात कर लें या दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर की बात कर लें, किसी भी लेवल पे कोई भी और दूसरा विचार कोई नाम वो सामने नहीं आया। बाकी जो सोशल मीडिया में आप जो चीज़ें देखते हैं वो बहुत सतही रहती हैं और उसका पार्टी के थॉट प्रोसेस से कोई सामंजस्य नज़र नहीं आया। 2-3 नाम ज़रूर चलाए जा रहे थे महाराष्ट्र में और समझा भी जा सकता है कि अगर मैंडेट के बाद इतना लंबा समय लगे और बीजेपी जो कि अलग अलग फैसले करने के लिए जानी जाती है, चाहे राजस्थान की बात कर लें या हरियाणा की बात कर लें या छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो उस संदर्भ में यहाँ भी कयासबाजी का दौर चलना बहुत लाजमी सी बात थी, लेकिन जो नाम चले वो पार्टी के किसी लेवल पर किसी थॉट प्रोसेस के अंतर्गत आ रहे हों इस बात की जानकारी बिल्कुल ऐसी नहीं थी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सिर्फ हवा हवाई जो बातें होते हैं ना कि कयासबाजी अपने अंदाजे पर आपको चला दें, वैसी चीज़ें रही हैं। अदरवाइज देवेंद्र फडणवीस का नाम चाहे संघ के स्तर पर देखें या बीजेपी के लेवल पर देखें, एकमात्र वही नाम नज़र आता है जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। देवेंद्र फडणवीस भी इस बात को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट हैं, उनको कहीं दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं कि हाँ कोई और चीज़ हो सकती है। और ये स्वाभाविक सी बात है सौरभ कि महाराष्ट्र हरियाणा या राजस्थान या छत्तीसगढ़ नहीं है, महाराष्ट्र के जो चैलेंजेस हैं वो बड़े हैं और महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत बड़ा है। तो इस कंडीशन में बीजेपी कोई खतरा नहीं उठा सकती, खासतौर पर तब जब आपको वहाँ पर एक कोलिशन गवर्नमेंट चलाना है और आगे के सपने बहुत बड़े हैं। सौरभ, बहुत शुक्रिया देवेंद्र और सचिन आप दोनों का। मैं त्रिपाठी जी, आज सुबह गाना सुन रहा था, वो लता मंगेशकर जी का गाना है,
जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। रात बड़ी लंबी हो गई, यहाँ पसीने आ रहे हैं लेकिन रात बड़ी लंबी हो गई महाराज। नहीं नहीं, राजनीति में तो ऐसी लंबी रातें होती हैं, और मुझे लगता है कि एक जिसको कहते हैं ना कि राजनीति में जो एक एक्स फैक्टर होता है, तो कई बार हम सोचते हैं कि एक्स फैक्टर किस वजह से होगा, तो पहले ये था अच्छा कौन बनाएगा सरकार। मान लो महाविकास अघाड़ी बन गई तो एक्स फैक्टर ही फैक्टर थे, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे थे। इधर था कि मान लीजिए 100 के आसपास रहे और शिंदे जी थोड़ा अच्छे से कर गए तो एक्स फैक्टर होगा कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बनेंगे। अभी आज की तारीख में कोई ऐसा एक्स फैक्टर नहीं। ये जो लंबी रात है दो वजहों से हुई, एक तो ये कि एकनाथ शिंदे को शुरू में एक जिसको कहते हैं ना उनके मन में आया कि शायद उनको कोई संकेत मिल जाए कि अच्छा मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, जब स्पष्टता हो गई कि न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी नाम पर विचार करने को भी तैयार नहीं है, तो वो आए अमित शाह से उन्होंने अपनी बात रखी। गृह मंत्रालय वो चाहते थे, लेकिन अब जो लोग जानते हैं अमित शाह को, गुजरात के गृह मंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक, गृह मंत्री की कुर्सी का क्या मतलब होता है ये अमित शाह को भी पता है, और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने नहीं लेकिन उनकी पसंद की डीजीपी रश्मि शुक्ला वो डीजीपी महाराष्ट्र बन चुकी है। हाँ। तो गृह मंत्रालय किसी और को जाएगा ये लगभग असंभव है। अब उनको अपनी इज्जत बचानी थी और उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर था कि जब वो यहां से लौट कर गए थे तो एक बड़ा दिल दिखाते हुए और वो कहते हैं कि भाई हमने कह दिया ठीक है सब ऐसे ही चलेगा और हम लोग एक साथ काम करेंगे, लेकिन अब उनकी इज्जत से फंस गई है। अब जिसको कहते हैं ना थोड़ा वो आगे बढ़ गए और अब उनको कोई ना यहां सहलाने वाला है, ना कोई अमित शाह उनको बात कर रहे हैं, ना पार्टी से कोई बात कर रहा है, तो अब उनके लिए बड़ी संकट की स्थिति हो गई। यहां तक कि उनके बेटे को आकर कहना पड़ा कि मैं उप मुख्यमंत्री की रेस में नहीं, इतना दबाव उनके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि इस वाले मामले में कोई भ्रम नहीं, लेकिन एक अफवाह जैसी कल से उड़ी हुई है। और मैं ये मतलब विजय जी, चूंकि हम लोग बीच में सबसे ज्यादा तो यही अनुभवी है, तो मेरे मन में सर उप मुख्यमंत्री का जलवा ज्यादा होता है या नेता प्रतिपक्ष का? सीरियसली, ये शिंदे साहब बनेंगे? हाँ, हो सकता है ना भाई, इधर सरकार बन जाए और उधर वो नेता प्रतिपक्ष बन जाए, धूप में पतंग उड़ा। तो पूरा जो है अफवाह ही, मतलब ये कोई कहीं से बताया तो शिंदे जी थोड़ी ना बताया मुझे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दोनों के प्रोटोकॉल, दोनों की स्थितियां, उसमें कौन ज्यादा ताकतवर होता है, विदाउट होम मिनिस्ट्री अगर डिप्टी सीएम है वो या नेता प्रतिपक्ष? देखिए यहाँ पर तो विपक्ष के नेता काफी ताकतवर है संसद में, महाराष्ट्र का मुझे अभी जानकारी नहीं है कि वहां पर कैसे उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता में किसकी ताकत ज्यादा होती है। लेकिन मैं रात को रजत जी का एक पोस्ट देख रहा था, वो बहुत अच्छा मुझे लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक ट्रेंड सा हो गया है, जब भी वर्षा के लिए कोई बारात निकलती है तो एक फूफा जी नाराज जरूर हो जाते हैं। पिछली बार उद्धव मुंह फुलाकर बैठ गए थे, सारे रिश्ते नाते तोड़कर फडणवीस की घोड़ी भगाकर ले गए थे, फिर दूसरी बारात में शामिल हो गए। इस बार शिंदे नाराज फूफा जी बनकर बैठे हैं, बस से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, उन्हें दूल्हा नहीं बनाया, घोड़ी पर नहीं चढ़ाया, इसलिए नाराज हैं। लेकिन इस बार फडणवीस का कवच अभेद्य है, उनकी सेना भी बड़ी है, इसलिए शिंदे थोड़े बहुत नखरे कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली उन्हें मानना ही पड़ेगा। इस बार जनता का आदेश ऐसा है, इसके आगे शिंदे को झुकना ही पड़ेगा। ये ओवरऑल एक मैं कहता हूं कि पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को रजत जी ने लिखा है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि वो एक हरियाणा की कहावत है कि जाट मरा जद मानी है जद 40 हो, तो जब तक 40 दिन नहीं हो जाए, मतलब पक्का तभी होता है कि जब शपथ ग्रहण हो जाए। आज आप शपथ ग्रहण की देवेंद्र जी की बात कर रहे हैं, संभावना मतलब 99% है, लेकिन उस दिन की दोपहर की 3 की बात तो याद कीजिए, जब देवेंद्र जी बिल्कुल शपथ ग्रहण करने वाले थे और वो फोन आया, फिर वो आपने देखा, फिर फोटो हुई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर नाराजगी हुई। तो पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है, और इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ देर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स, तो ये कप और लिप्स के बीच की चाय आपके पास रखी है, मतलब शपथ ग्रहण तो होगा परसों ही, अब वो तो टल नहीं सकता। ये किसने कहा? जरूरी चीज टल जाएगा, ये किसने कहा है आपको? एक जरूरी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियल है? अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ऑफिशियल नहीं किया, उन्होंने गवर्नर को जाकर क्या, गवर्नर के पास जाकर आपने सरकार का इन्विटेशन दावा किया, पेश अभी दावा पेश नहीं किया। प्रोसेस नंबर होगा ना, भाजपा अपना विधायक दल का नेता चुने, विधायक देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के एकमत नेता है, तो विधायक दल का नेता तो घोषित कर देते। क्या मानना है कि फडणवीस के नाम पर ही जो है सोच विचार हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा। वो भारतीय जनता पार्टी अभी पहले देख रही है कि सरकार बनने का तय हो जाए, कि भी उनका मुख्यमंत्री के लिए एकनाथ शिंदे तैयार हो जाए, और इसको नंबर गेम की तरह से मत देखिए, क्योंकि जो समीर जी ने कहा ना वो ठीक है, अजीत पवार अपने लिए नहीं आए थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिंदे के लिए आए थे कि शिंदे जी को बताया कि देखिए हम दोनों साथ हैं, नंबर हमारे पास पूरा है,
नहीं अजीत पवार लेकिन वेट कर रहे हैं दिल्ली में, ये भी बड़ी अजीब बात है। सर जिस तरीके से मैसेजिंग है ना, लेकिन यदि इतनी क्लियर मैसेजिंग होती या पॉलिटिक्स इतनी क्लीन होती कि भाई 133 उनके हैं, 40-50 उनके हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। बना लो सरकार, ये बात जो अभी बात क्यों नहीं बना रहे आप सरकार। एकनाथ शिंदे जब गांव चले गए दिल्ली से जाने के बाद दो दिन, कह रहे हैं उनको बीजेपी के किसी नेता ने फोन फान भी नहीं किया, मनाया मनाया कुछ नहीं। बिल्कुल देखिए सर, जैसे आपसे कल दो केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारामन और विजय रूपाणी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम डिक्लेयर किया है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में जाएंगे, आज रात को पहुंच जाएंगे और कल बैठक होने वाली है। उसी से कहता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर कोई बड़ा सरप्राइजिंग नाम होता किसी और की जगह तो निर्मला सीतारामन और विजय रूपाणी वहां नहीं जाते, या तो फिर वहां राजनाथ सिंह जाते केंद्रीय पर्यवेक्षक बन के, अमित शाह खुद वहां जाते, जेपी नड्डा जाते, या शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेताओं को भेजा जाता। निर्मला सीतारामन और विजय रूपाणी अगर जा रहे हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक बन के तो ये सीधा सीधा संकेत है कि बैठक में कोई बड़ा नाम निकल के नहीं आएगा। आप देखिए राजस्थान के अंदर वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना था तो राजनाथ सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर गए थे, उन्होंने पर्ची दी थी वसुंधरा को। जब शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाना था, तीन बड़े नेता मध्यप्रदेश में पर्यवेक्षक बनकर गए थे, मनोहरलाल खट्टर उसके अंदर गए थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के लक्ष्मण बनकर गए थे, आशा लाकड़ा गई थी। तो यह तय है कि अगर निर्मला सीतारमन और विजय रूपाणी जा रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय। देखिए विधायक दल की बैठक कल होगी, कल बैठक में विधायक दल के नेता चुना जाएंगे और उसी के बाद विधायक दल के जो नेता चुने जाएंगे उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार राजभवन साथ में जाएंगे, जो प्रभारी है वो भी जाएंगे और वहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, गवर्नर उन्हें आमंत्रित करेंगे और परसों शपथ ग्रहण हो जाएगा। यह सिर्फ एक औपचारिकता, विधायक दल की बैठक के बाद ये दो घंटे के अंदर कार्रवाई पूरी हो जाएगी। लेकिन शिंदे साहब ने हैरान तो किया ना बीजेपी को? नहीं नहीं, बिल्कुल हैरान किया। और मैं फिर कह रहा हूँ, शिंदे साहब को शुरू में भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही हवा भरी गई, इसको स्पष्टता समझिए। अगर शुरू में ये काम नहीं किया गया होता तो शिंदे साहब ये गड़बड़ नहीं करते, इसको पहले आप समझिए। शिंदे साहब को कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति नहीं थी पार्टी में। सहमति नहीं, देवेंद्र फडणवीस को बाहर रखने के लिए कुछ लोग ये कर रहे। मतलब यही सहमति, दो चीजें होती है ना, भाजपा के जो विधायक है, इवन जो शिंदे के भी विधायक है, और तो और एनसीपी अजीत पवार वाली में भी पांच विधायक वो देवेंद्र फडणवीस के हैं। और अभी जब मैं कल लोगों से वहां बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप लोग देवेंद्र फडणवीस को शायद दूर से देख रहे हैं। महाराष्ट्र के नेताओं से पूछिए कि देवेंद्र फडणवीस होने का मतलब क्या है। जो लोग भी ये समझ रहे हैं कि नंबर्स नहीं है, देवेंद्र फडणवीस के पास अपनी ताकत पर 145 प्लस का नंबर है, वो चाहे शिंदे सेना में हो, चाहे वो अजीत पवार में, और यहां तक कि शरद पवार की पार्टी के भी 10 ही विधायक हैं उनके, लेकिन उनके कई विधायक वो देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में।